हेलो फ्रेंड, मैं नीलमा सिंह। आज आप लोग को बहुत जल्दी से 10 मिनट में 10 से 12 मिनट में कैसे मटर पनीर बनता है उसी का मैं वीडियो दे रही हूँ। मैं इस तरह से बनाऊंगी, इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट मटर पनीर बनेगा। पहले मैंने थोड़ा सा इसको गर्म पानी कर लिया है और ये देखिए इसके पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इस पनीर को मैं तलूँगी नहीं, इसको मैंने गर्म पानी में सबको डाल दिया है। इस तरह से इसका जो भी ये है सब ये निकल जाएगा। इस तरह से इसको तलने से सब कम हो जाता है, कड़ा कड़ा पनीर हो जाता है। तो वो पनीर आप लोग देखते होंगे कि रेस्टोरेंट में इसी तरह से कच्चा पनीर ही डालते हैं। मैं भी पहले मैं हल्का सा उसको तल देती थी, अभी मैं इस तरह से कच्चा पनीर ही डालती हूँ। इस तरह से मैंने सबको डाल दिया है। मटर को भी मैंने बॉइल कर लिया हल्का सा। ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसमें जीरा और नींबू का मैं तड़का लगाऊंगी। इस तरह से आप लोग मटर पनीर बनाएंगे, जल्दी भी तैयार होगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कम समय में मटर पनीर बनके तैयार हो जाता है। मैं मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल से बना रही हूँ, आप लोग रिफाइंड ऑयल भी नहीं बना सकते। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रयोग नहीं करती हूँ, मैं कम में ही बनाती हूँ। जैसे मैंने थोड़ा सा हींग डालूँगी, ये देखिए थोड़ा सा हींग डाल दिया है। तो मैं जीरा का तड़का लगाऊँगी, देखिए थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। फिर इसमें प्याज को धो के छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। जीरा हल्का लाल हो गया है, अब इसमें प्याज जल्दी से लाल हो जाए इसलिए मैं नमक अंदाज से मैं प्याज के बाद थोड़ा डाल देती थी। नमक डाल देने से जल्दी लाल हो जाता है प्याज, सब जल्दी हो जाता है। नमक डाला है तो तुरंत लाल होने लगा। जैसे मसाला में मैंने प्याज टमाटर को मिक्सी में पीस लिया, उसके बाद सब मसाला मैंने मिक्स करती हूँ, मसाला डालती हूँ। आधा
आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक चम्मच थोड़ा अंडा से कम करके आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने सब मसाला को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे देखिए लाल हो गया है प्याज, मसाला सब डाल देती हूँ। इस तरह से बनाइए झट से जल्दी दस मिट्टी से दस बारह मिनट नाश्ता मटर पनीर बन के तैयार हो जाएगा। दो तीन मिनट तक मसाला को पका लेना है अच्छा से। बनाइएगा बहुत ही जल्दी और बहुत स्वादिष्ट मटर पनीर बन के तैयार होगा। हमेशा इसी तरह से बना के खाइए। तेल छोड़ने लगा मसाला में बनाइए उसे, इसमें मटर को डाल देते हैं। मेरा मटर पूरा गल गया है। नमक डाल के थोड़ा सा बॉयल कर देने से हरा मटर का हरा ही रहता है, मटर का कलर नहीं चेंज होता। थोड़ा सा ऑयल लेने के लिए थोड़ा सूख गया है तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं। थोड़ा सा ही क्योंकि पूरा सिंगा हुआ है मटर, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। दो तीन मिनट में बॉयल आ जाएगा, फिर मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। अस्सी पाँच मिनट पूरा खटका के उसके बाद आपको बंद कर देना है ये वीडियो। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। मैं जो कोई वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप सब लोग को मिलता रहेगा। इस तरह से मटर पनीर का सब्जी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होगा। खूब अच्छा से बॉयल आ जाएगा, फिर मैं इसमें पनीर को डाल दूँगी। देखिए पूरा ये बने लगा है, मैं इस पूरा पनीर इसमें डाल दूँ।
इसके बाद उसको छोटा छोटा खूब अच्छा से धनिया पत्ता को धो के घी काट के उसको छिड़क दीजिए और घी का तड़का लगा दीजिए और फिर चावल रोटी पराठा के साथ खाइए। मटर पनीर बन के तैयार, जैसे कि मैंने बोला था 10 से 12 मिनट में मटर पनीर आपका बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरह मेरा 11 मिनट में मटर पनीर बन के तैयार हो गया। निर्मा सिंह का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।